बुढ़िया तूने मेरा जीना हराम कर रखा। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, 24 घंटे खाने को मांगती है। बेटा मुझे माफ कर दे। माफ कर दूँ? जब याद नहीं आई तुझे ये बेटी, जब मैं इस घर में आई थी तब बेटी बना के नहीं रखा मुझे, अब तुझे माफ कर दूँ। भाभी अपने बेटे को तुम पता नहीं क्या खिला के पैदा किया है, अपने बस में कर रखा है, पता नहीं मेरी ये बात भी नहीं मानता। अब कौन आ गया? बुढ़िया चुप रही हो और अपना मुंह बंद कर लियो, अगर तेरी आवाज बाहर आई ना तो फिर देख लेना। कौन था? अरे बुढ़िया यही बैठी रहेगी? खड़ी हो जा, घर का काम कौन करेगा? मैं करूंगी, नौकरानी बना ले मुझे, किचन में सारे बर्तन पड़े पोछा पड़ा है, कौन करेगा इन काम को? हाँ और सुन बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे को कुछ बताया ना फिर देख लेना, तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगी मैं, समझ गई तू? अब कौन आ गया? मैं बाहर जा रही हूँ और बुढ़िया तूने अगर आवाज करी ना फिर देख लियो पड़ी रहे हैं। पता नहीं अब कौन आ गया है, परेशान कर रखा है। मैडम हमें कंप्लेन मिली है कि आप अपनी सास को मारती पीटती हैं। नहीं मैम, मैं तो अपनी सास को नहीं मारती, किसी ने आपको झूठ बोला है। झूठी कंप्लेन मिली हमें? झूठी कंप्लेन की है। मिस्टर टिंकू, इन्होंने ही आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि आप अपनी सास को मारती पीटती हैं। तुम? मैम ये मेरा किराएदार है और इन्होंने मुझे 4-5 महीने से किराया नहीं दिया है। जब मैंने इससे किराया मांगा तो इसने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी। शर्म नहीं आती तुझे? तो आप एक काम करिए, अपनी सास को बुलाइए। मैम मेरी सास यहाँ पे है ही नहीं, वो तो रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रखी है। मैडम ये झूठ बोल रही है, मैं लेके आता हूँ। अगर ये बात सच हुई ना कि तू अपनी सास को मारती पीटती है तो फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी सास को नहीं मारती। मैडम क्या आपकी बहू आपको मारती पीटती है? नहीं मैडम, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। अगर आपकी बहू इतनी ही अच्छी है तो आपके शरीर पर ये चोट के निशान कैसे हैं? अरे मैम वो मेरी सास बाथरूम में गिर गई थी तो इस वजह से इनको चोट लग गई। मैडम ये झूठ बोल रही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये देखिए। तो क्या ये रिकॉर्डिंग भी झूठ बोल रही है? नहीं नहीं मैम ये वीडियो झूठी है, ये रिकॉर्डिंग झूठी है मैम। मैडम आप बिल्कुल भी मत डरिए, अब तो हमारे पास सबूत भी है, आप सच बताइए। मुझे बचा लो, मेरी बहू मुझे बहुत मारती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ के जैसी है वो और तुम उस पर इतना जुल्म कर रही हो। तुम्हारे जैसे लोगों को ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या वो इसी दिन के लिए तुम्हें इस घर में लाई थी? अब देख मैं तेरा ना क्या हाल करती हूँ। तेरा इलाज ना पुलिस स्टेशन में ही करूंगी मैं। अब चल।